एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला वन में। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज, सारे ये सारे आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके, ये कह लीजिए ज़्यादा ही कह लीजिए 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर हुए हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके स्टैटिक जीके का पार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है आपका, ठीक, पूरा यहाँ पर जितने भी हैं आपका है, हिस्ट्री और आपका साइंस, ये भी पोर्शन यहाँ पर कवर होगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला जो है महान व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या महान व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। ठीक, नंगा फकीर किसे कहा जाता था, महात्मा गांधी, ठीक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, देशबंधु आपका जो है देशबंधु किसे बोला गया, चिदंबरम दास को, लोकमान बाल धीरक को, गंगा फकीर आपका महात्मा गांधी जी को। चलिए अगला देखिएगा, जेपी किसको बोला गया, जयप्रकाश नारायण, जे से जेपी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक, शांति पुरुष किसे बोला गया आपका, लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला गया, क्या बोला गया, शांति पुरुष बोला गया। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में, आपके पास समय बहुत कम है, आपको रिविज़न करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। पंजाब केसरी किसे बोला गया, लाला लाजपत राय को, और आपके लौ पुरुष की उपाधि लौ पुरुष किसे बोला गया, वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत का नेपोलियन, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से लौ पुरुष से और भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे बोला गया, समुद्र गुप्त को बोला गया। अगला देखिएगा, उड़न परी किसे बोला गया, पीटी उषा जी को, किसे बोला गया, पीटी उषा को। चलिए मिस्टर क्लीन किसे बोला गया, राजीव गांधी जी को बोला गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे फंडे से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए बिहार का गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार स्पेशल देने जा रहे हो आप तो आपको बिहार से संबंधित तो पता ही होना चाहिए, बिहार का गांधी भी अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए निर्मल हृदय किसे बोला गया, मदर टेरेसा को, क्या बोला गया, निर्मल हृदय। चलिए अगला देखिएगा, बाबूजी किसे बोला गया, तो किसे बोला गया बाबूजी आपका, जग जवान राम को। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला गया आपका, दादा भाई नरोजी को, क्या बोला गया, ग्रैंड ओल्ड मैन। अगला देखिएगा, सीमांत गांधी, खान अब्दुल जफर खान को बोला गया, ठीक, दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को बोला गया, बंग बंधु शेख मुजब्बर खान को बोला गया। चलिए हॉकी के जादूगर किसे बोला गया, मेजर ध्यानचंद जी को, किसे बोला गया, हॉकी का जादूगर। भारत का शेक्सपियर, बहुत आता है क्वेश्चन यहाँ से, भारत का शेक्सपियर काफ़ी बार आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC वगैरह में भी पूछा जा चुका है, क्या भारत का शेक्सपियर, कालिदास जी को बोला गया। चलिए भारत का आइंस्टीन किसे बोला गया है, नागार्जुन जी को, किसे बोला गया आपका, नागार्जुन जी को। चलिए अब इसी क्रम में अगला देखते हैं, चलिए ठीक है अगला देखेंगे, आधुनिक मारा महादवा वर्मा को, भारत कोकिला किसे बोला गया, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, आप सभी को पता है क्वेश्चन बहुत आता है भारत की कोकिला से। गुरुदेव किसे बोला गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को बोला गया। लेडी विथ लैम्प किसे बोला गया आपका, फ्लोरेंस नाइटेंगल को। लेडी विथ लैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, लेडी विथ लैम्प किसे बोला गया, फ्लोरेंस नाइटेंगल को। चलिएगा इसी क्रम में अब अगला देखते हैं आपका, अगला टॉपिक क्या है, भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह में क्वेश्चन डाल देता है आपके, तो चलिए आपको पता होना चाहिए। भारत में आने वाले प्रमुख यात्री, पहला मेगस्थनीज यूनानी यात्री, कौन अवधि इनकी क्या थी, 305 ईस्वी पूर्व, और किसके शासनकाल में आए थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चलिए अगला देखिएगा, डायमेंस सीरिया जो थे वो किसके, 298 ईस्वी पूर्व में, किसके शासनकाल में, बिंदुसार, फाहेयान चीन, मैंने बताया था पहले भी फाहेयान के बारे में, 399 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, हेंगसांग, ठीक, चीन का था, कब आया था, हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन ऐसे याद कर लीजिएगा। मार्को पोलो क्या है, इटली के जो थे वो कब आए थे, 1228 ईस्वी पूर्व में, कायाल के समय में आए थे। चलिए अगला देखिएगा,
अगला देखिएगा, ठीक। इसके सन इतने नहीं इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड जितने आपके यहाँ ये पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल में आए थे, ठीक है। तो इब्न तुतूता किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक। ऐसे याद, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आए थे, देवसराय प्रथम के, किसके आए थे, देवराय प्रथम के। चलिए अब देखिएगा अगला, यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, तो साइंस के पोर्शन आपका कवर करेगा। चलिए देखते हैं, विटामिन ए जो है इसकी खोज कौन से सन में हुई थी, 1913 में। रासायनिक नाम रेटिनॉल, इतना सन नहीं पूछा जाता है, ठीक, सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़िएगा आप, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर जितना जो है आपसे यहाँ पर जो है उसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। तो चलिए विटामिन बी वन का थायमीन, रा थ, चलिए ऐसे याद करिए, ट्रिक है ये, चलिए ट्रिक आपको पसंद आएगी, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रा। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन, था, रथ, ठीक। विटामिन सी का, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबो फ्लिक्विन, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लिक्विन, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासीन, क्या है, नियासीन। विटामिन बी फाइव, फाइव पेंटा होता है, पेंथेनोइक एसिड, बी फाइव, फाइव से हम पेंटा डिनोट करते हैं ना, पेंटा मतलब फाइव, तो यहाँ पर पेंथेनोइक अम्ल, ठीक, एसिड। चलिए विटामिन बी फाइव हो गया, अब देखते हैं आपका क्या, विटामिन बी सिक्स, बी सिक्स देखिए, बीटिक पायराडॉक्सिन, सिक्स सीन, सीन सिक्स की वो आ रही है, धुन आ रही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं पायराडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन बायोटीन, क्या है, बायोटीन। चलिएगा, चलिए अगला देखिएगा फ्रेंड्स, चलिए विटामिन बी सेवन हो गया, अब विटामिन बी ट्वेल्व की बात कर लेते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, साइमन साइबो साइनोकोबालमिन, ठीक। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए वहाँ पे मैंने बताया था क्या, रथ, यहाँ पर आप ले लीजिए क्या, एक टॉफ़ी, तो यहाँ पर रथ एक टॉफ़ी में, ये एक है, ये का है, ता है, फा है, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, छोटे बच्चों को भी दी जाती है कैल्सीफेरॉल वगैरह हड्डियां मजबूत करने के लिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, क्या है, टोकोफेरॉल, टा से रथ एक टॉफी, ऐसे याद करिएगा, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलुक्विनिन, ठीक, चलिए एक टॉफी, फा से आप याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आप इसी क्रम में अगला देखते हैं, अगला देखिएगा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले, चलिए तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स, विटामिन के कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आपका ए से क्या होता है, रथौंधी, जो आपकी आँख से संबंधित है, ठीक, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन बी वन से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से क्या है आपका, विटामिन बी वन। चलिए अगला देखिएगा, विटामिन बी टू, बी टू की कमी से त्वचा का क्या होता है, फटती है, और क्या होता है, कीलोसिस, ठीक, जो कि क्या है, त्वचा का फटना। चलिए विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होता है आपका, विटामिन बी थ्री से आपका होता है बंद बुद्धि हो जाती है, बालों का से क्या होता है, सफ़ेद होना, ठीक, बाल भी आपके सफ़ेद हो जाते हैं और बंद बुद्धि का कारण बनता है, क्या आपका, विटामिन बी थ्री। चलिएगा अगला देखते हैं, विटामिन बी फाइव, क्या है, विटामिन बी फाइव, पोलाग्रा, बहुत पूछा जाता है, त्वचा में जो दाद हो जाते हैं वो क्या होता है आपका, पोलाग्रा वगैरह होता है, जो आपका विटामिन बी फाइव से होता है। विटामिन बी सिक्स से आपका क्या होता है, एनीमिया और चर्म रोग, किससे होता है आपका, विटामिन सिक्स की कमी से। देखिएगा अगला, यहाँ पे आपकी साइंस भी कवर हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है, साइंस का पोर्शन है ये सारा। विटामिन बी सेवन से लकवा, शरीर में दर्द, क्या होता है आपका, लकवा और शरीर में दर्द। विटामिन बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व से क्या होता है आपका, रक्त छीणता और पांडु रोग हो जाता है। चलिए विटामिन सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ठीक,
विटामिन सी की कमी से होता है। दांतों में भी जो रोग होते हैं मजबूती कम हो जाती है वो विटामिन सी से ही होती है, इसलिए आपको विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी से क्या होता है आपका रिकेट्स, ठीक रिकेट्स भी हो जाता है। चलिए विटामिन ई से क्या होता है नपुंसकता और बांझपन। विटामिन के क्या विटामिन ई से क्या होता है विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना किस कमी से विटामिन के की कमी से। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब अगला आपका अगला जो है क्या है भारतीय विज्ञान एवं उनके क्या है संरक्षक। चलिए भारतीय विद्वान उनके संरक्षक भी पूछे जाते हैं। चलिए तो कवि और विद्वान है एक तरफ उनके शासक हैं संरक्षक। हरी शेड़ के कौन है समुद्रगुप्त, कौन है समुद्रगुप्त। कौटिल्य के आपके चाणक्य के कौन है चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य चाणक्य चा से चंद्रगुप्त, ठीक। चलिए अब घोष आपके किसके हैं कनिष्क के हैं, किसके हैं कनिष्क के हैं। चलिएगा नागार्जुन आपके किसके हैं कनिष्क के, किसके हैं कनिष्क के। चलिए बाल भट्ट जी जो हैं बाल भट्ट जी किसके हैं आपके हर्षवर्धन के। चंदवरदाई कौन है चंदवरदाई के पृथ्वीराज चौहान, अमीर खुसरो के अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं, शेख निजामुद्दीन के कौन है अलाउद्दीन खिलजी, और अबुल जफ़र और जिन्हें टोडरमल कहते हैं उनके कौन हैं अकबर, और कालिदास के कौन हैं आपके चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स अगला आपका बीरबल, बीरबल के कौन है संरक्षक अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी के कौन है शाहजहां थे, ठीक। तुलसी सूर जायसी के कौन थे मुग़ल काल, और भूषण बिहारी रहीम के कौन थे मुग़ल काल। चलिए बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ों का रिवीजन फ्रेंड्स होने वाला है, यहाँ पर आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका 5 से 6 नंबर पूरा पक्का होने वाला है, ठीक है पढ़ते रहिए बस। समाचार पत्र और उनके संस्थापक, समाचार पत्र आप सभी को पता है सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में, जिसको आता है उसे भी जिसको नहीं आता है उसको भी, इससे आपका रिवीजन होगा। चलिए समाचार पत्र उनका प्रकाश वर्ष और उनके संस्थापक बंगाल गजट जेम्स ऑंगस्टस हिक्की संस्थापक 1780 में कोलकाता में बंगाल में, ठीक। समाचार दर्पण कोलकाता से प्रकाशित हुआ था इसके संस्थापक कौन है आपके जेपी मार्ग मैन। चलिए हिंदू पेट्रियॉट समाचार पत्र के संस्थापक कौन है गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश के कौन है द्वारकानाथ विद्याभूषण। चलिए इंडियन मिरर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इंडियन मिरर जो है 1861 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके कौन है प्रकाशित संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अमृत बाजार अगला समाचार पत्र कौन है मोतीलाल शिशिर घोष। चलिए द हिंदू मद्रास वीर राघवचारी जी। चलिए अगला देखिए केसरी किसके बाल गंगाधर तिलक जी ने संस्थापक हैं इसके। चलिए अगला देखिएगा इंडिया दादा भाई नरोजी द इंडियन रिव्यू ए नटेशन। चलिए अगला देखिएगा समाचार पत्र इंडियन ओपन जो है किसने इसके संस्थापक कौन है आपके महात्मा गांधी जी। युगांतर के कौन है भूपेंद्र नाथ दत्त जी। चलिए अब अगला देखिए अगला है आपका बंग दर्शन के संस्थापक कौन है बंकिम चंद चटर्जी। चलिए अगला पेपर है आपका कौन सा समाचार पत्र इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित कौन सा आपका इंडिपेंडेंस नवजीवन के संस्थापक कौन है महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया के भी कौन है महात्मा गांधी। यंग इंडिया बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स आपके, यंग इंडिया जो पेपर है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर आइए अगला हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप पढ़ ही रहे होंगे अगर अभी भी इस टाइम आता है के एम पड़िक्कर साहब। चलिए ये मैंने आपको बताया हरिजन के कौन है एक बार देखिएगा हरिजन के कौन है महात्मा गांधी। चलिए
अब अगला है आपका इसी क्रम में प्रमुख संधियाँ। प्रमुख संधियाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो पहली संधि आपकी है जो यहाँ पर, वो आपकी कौन सी है? सूरत की संधि। सूरत की संधि जो है रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। चलिए, सालबाई की संधि महादजी और तथा अंग्रेज संबंधित है। चलिए, ग्वालियर संधि बहुत पूछी जा चुकी है काफ़ी बार, तो ये किसके बीच? दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। चलिए अगला देखिएगा, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 ईस्वी में। पुरंदर की संधि सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। मंगलौर की संधि 1784 के में हुई थी और किसके बीच? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। चलिएगा अब अगला देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ जो अपनी भारत में थी, उन पर भी क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। चलिए, तो भारत में यूरोपीय कंपनियां जो हैं, पहली कंपनी आपकी यहां पर है क्या? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है भारत में, उसकी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगी? कोचीन में, ठीक। अंग्रेज नाम सूरत में लगी, ठीक। चलिए, डच भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये कहां लगी? मसूलीपट्टम। डेनिस आपकी 1616 ईस्वी में ट्रावनकोर नाम है फैक्ट्री का, ठीक, ये मैंने आपको बताया अभी। फ्रांसीसी, देखिए फ्रांस डेनिस तो मैंने बताया, फ्रांसीसी कंपनी कहाँ पर? सूरत नाम से, ठीक। स्वीडिश का अभी तक कोई नाम नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख जल अंतराल। बहुत क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी पार्ट आपका कवर कर रहा है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में, आपका 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है, ठीक। 9 डिग्री चैनल सब लाइन से है सारे चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य में है, ठीक। ग्रैंड चैनल आपका, पूछे जाते हैं ये चैनल फ्रेंड्स, ग्रैंड चैनल आपका सुमात्रा व निकोबार के मध्य, कहाँ है? सुमात्रा व निकोबार के मध्य। अगला चैनल देखिएगा, पाक स्ट्रीट आपका तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, ठीक। पाक जल संधि सुना होगा ना आपने, तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य आपकी पाक जल संधि है, ठीक, पाक स्ट्रीट। चलिएगा, दक्कन पास दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य, मन्नार की खाड़ी आप सभी को पता है कहाँ? बंगाल में है, तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु जो दक्षिण का भाग है और श्रीलंका के मध्य में है मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर जो आपकी जल संधि है वो कहाँ है? लक्षद्वीप एवं मालवा घाटी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ऊपर वाले, कच्छ की खाड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पश्चिमी गुजरात, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ये देखिएगा, माहिम क्रीक ये कहाँ पर है? आपकी मुंबई में है। सर क्रीक आपकी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात के बाद। कोको स्ट्रेट आपकी कहाँ है? कोको द्वीप में, ठीक। खंभात खाड़ी कहाँ है आपकी? गुजरात नर्मदा और ताप्ती मुहाना तट पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत के प्रमुख देवप्रयाग और संगम पूछे जाते हैं ना आपसे हमेशा, देवप्रयाग और ये रुद्रप्रयाग कहाँ पर है वो देखिएगा। पहला है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है उस पर आपका क्या है? देवप्रयाग। अगला रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाग्नी के मध्य। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडडार, और विष्णुप्रयाग आपका धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखिए अगला, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी क्या आपका संगठन? तो देखिएगा, इंडिया हाउस कहाँ पे है संगठन? लंदन में। अभिनव भारत का लंदन में है, ठीक है। और आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहाँ है आपका? अमेरिका में। इतना ये इसके इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो आपके ये हैं ये सारे पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आपका कहाँ है? टोक्यो में। आज़ाद हिंद फौज का कहाँ पर है आपका? सिंगापुर में है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए, नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन से हैं?
रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सा नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? साहित्य में मिला 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को किस में मिला? भौतिक शास्त्र में मिला 1930 में। अगला देखिएगा, हर गोविंद खुराना जी को किस में मिला? चिकित्सा में मिला 1968 में। ठीक है, चलिए अब आपका अगला है, मदर टेरेसा का बहुत पूछा जाता है, इनको किस में मिला? शांति में मिला, इम्पॉर्टेंट है, 1979। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र में मिला 1983 में। अमर्त्य सेन को किस में मिला? अर्थशास्त्र में 1998 में। और वीएस नायपाल को किस में मिला? साहित्य में 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोबेल पुरस्कार हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को पता है कि किसको किस में मिला, ये पूछा ही जाता है। चलिए अगला देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि, महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली? उपाधि देने वाला कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और क्या बोला गया, उपाधि किसकी मिली इनको? राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, आप सभी को पता है। ठीक है, राष्ट्रपिता को बता लीजिएगा एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक है, अगला देखिए, अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि मिली, वो उपाधि इनको किसकी मिली? गुरुदेव की। किसको मिली? गुरुदेव की। ठीक, किसकी उपाधि? गुरुदेव। उपाधि देने वाला कौन? महात्मा गांधी। अब वल्लभ भाई पटेल जी को किसकी उपाधि मिली? सरदार की, सरदार जी की उपाधि, इनको गुरुदेव जी की उपाधि। ठीक, अब इनका जो है किसके, बारदोली उपाधि देने वाला कौन? बारदोली की महिला, बारदोली आंदोलन सुना होगा आप सभी ने, उसी उन्हीं के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को किसकी उपाधि? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपाधि देश रत्न की मिली राजेंद्र प्रसाद जी को। उपाधि देने वाला आपके कौन है? महात्मा गांधी जी। स्वामी विवेकानंद जी को किसकी उपाधि मिली? स्वामी तो नाम से ही पहले आप लगा देंगे क्या, स्वामी की उपाधि। उपाधि देने वाला कौन है? कि उपाधि देने वाला राजा खेतड़ी। कौन है? राजा खेतड़ी। चलिएगा अगला देखिएगा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि मिली? राजा की मिली। उपाधि देने वाला कौन? अकबर द्वितीय। कौन है? अकबर द्वितीय। चलिए मोहम्मद अली जीना को किसकी उपाधि मिली? कायदे आजम की। किसकी मिली? कायदे आजम की। उपाधि देने वाला कौन है? उपाधि देने वाला यहाँ पर जो था ऊपर, महात्मा गांधी जी। ठीक, कौन है? महात्मा गांधी जी। चलिए अब अगला देखिए, प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु, व्यक्ति और उनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। सिकंदर महान के अरस्तु, और अरस्तु के कौन थे? प्लेटो थे। अरस्तु के कौन? प्लेटो। और प्लेटो के कौन थे? सुकरात थे। कौन थे? सुकरात। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड ये। चलिए अब अगला देखिएगा, सिकंदर महान, अरस्तु, अरस्तु के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात, महात्मा गांधी के कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन है? एम जी राणाडे। कौन है? एम जी राणाडे। कबीर की रामानंद, और सूरदास की किसको? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को। चलिए तुलसीदास जी को बाबा नहरी, और सुभाष चंद्र को चिरंजीव कमरम दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा जी कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के आनंद पांडे जी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के कौन थे आपके? रामकृष्ण परहंस, परमहंस। चलिए फ्रेंड्स एक और उपाधि है, स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु कौन थे? स्वामी प्रजानंद जी। अगला है गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति, गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति, शुद्धोधन संबंध किसका? पिता का। महामाया माता का। प्रजापति गौतमी का विमाता मौसी जी का, और यशोधरा का पत्नी। ठीक, ये गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए उनके पुत्र कौन थे? पुत्र राहुल जी, चन्ना कंथक, सारथी प्रिय घोड़ा था इनका। अलार कलाम कौन थे? प्रथम गुरु थे। और बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेंजित और एवं उदनयन कौन थे? शिष्य, जो राजा थे। ठीक है, जो क्या थे इनके? राजा थे। ठीक, आप देखिए अगला, महावीर से संबंधित व्यक्ति देख लीजिए, सिद्धार्थ कौन थे? पिता। त्रिशला कौन थी? इनकी माता। राज बिंबसार फूफा थे, और अजात शत्रु कौन थे? फुफेरे भाई थे। ठीक, किससे? महावीर से संबंधित व्यक्ति बता रही हूँ आपको मैं। ठीक, अगला देखिए,
प्रमुख भारतीय शासक तथा उपाधि। भारतीय शासक एक तरफ, एकदम बिंदुसार को किसकी उपाधि मिली थी? आत्मघात की। अशोक को देव नाम और प्रिय दर्शी की। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराधिराज को। और चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन है? विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला देखिए, कनिष्क को किसकी मिली? देवपुत्र की उपाधि मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श मलिक की। शिवाजी की को छत्रपति। जहांगीर को शेख सलीम की। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब की उपाधि मिली। औरंगजेब को जिंदा पीर की। और देखिएगा ऊपर में, पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि। मंद्रदेव प्रथम को विचित्रतित्त की उपाधि। ठीक है, चलिए। जहांगीर को किसकी उपाधि मिली? शेख सलीम की। औरंगजेब वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देखती है। अगला है आपका विश्व के घास के मैदान। घास के मैदान पूछा जाता है आपका, सवाना घास के मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। लोनास आपके कहाँ है? वेनेजुएला, कोलंबिया में। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ है? अमेरिका व कनाडा में। चलिए, पंपास घास के मैदान कहाँ है आपके? अर्जेंटीना में। चलिए, वेल्ड आपका कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स घास के मैदान आपके कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टफीज कहाँ है आपका? एशिया व यूरोप में। और कंपोज घास के मैदान कहाँ है आपके? ब्राज़ील में। और पटना जो है श्रीलंका। ठीक, चलिए अब देखिएगा। मंदिर गुरुत्तर काल के मंदिर व निर्माण करता पूछा जाता है आपसे। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? निर्माण करता यदाद केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है लिंगराज मंदिर, पूछा जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल गंगदेव। कोणार का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने। खुजरो का मंदिर यशो वर्मन ने। ठीक, कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ किसने बनवाया? विमल शाह ने। कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है तिरुमलाई ने। एलिफेंटा के गुफा मंदिर राज क्रूटो ने। तट मंदिर कहाँ किसने बनाया? नरसिंह दो ने। चलिए, तो आपकी साथिया कहाँ की? गुजरात की। अर्पण आपकी बिहार की। चौक पूरना मतलब चौक को पूरा करना उत्तर प्रदेश। और मेहंदी आपकी कहाँ है? राजस्थान की। चलिए अब अगला देखिएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल स्थान और संबंध। लुम्बिनी नेपाल में है। जन कहाँ जन है? सारनाथ जो है था वाराणसी। प्रथम उपदेश यहाँ पर लिया था। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उपदेश यहाँ पर लिए। उरुवेला आपका कहाँ पर? बोधगया में है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? यहाँ पर हुई, बोधगया में। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, न्यूमेस्टिक सिक्कों का अध्ययन। एक्वास्टिक्स ध्वनि का विज्ञान। एंटोमोलॉजी किसे? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। सेरिकल्चर आपका रेशम कीट का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी आपकी किससे संबंधित है? पक्षियों का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन से। पोमोलॉजी आपका फलों के अध्ययन से। पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन से। ठीक, माइक्रोलॉजी आपका किसका है? कवकों का अध्ययन। किसका? कवकों का अध्ययन। अगला देखिएगा। पोम्पोलॉजी फलों का अध्ययन। इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी आपका छिपकलियों का अध्ययन। और सिल्वी कल्चर आपका किसका? काष्ठी पेड़ों का सर्वधन। चलिए अगला देखिएगा फ्रेंड्स। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख स्वेज नहर पूछी जाती है कहाँ आपका? भूमध्य और लाल सागर के बीच में। आपकी कौन सी है? स्वेज नहर। कील नहर आपकी कहाँ है? उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के बीच में। आपकी पनामा नहर कहाँ है? प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर के मध्य में। चलिए, न्यू नहर आपकी कहाँ है? सुपीरियर झील और क्यूरुमान झील के अंदर, ठीक बीच में। और इरी नहर आपकी कहाँ है? इरी झील एवं मिशिगन झील के मध्य। अगला देखिए, अनिवार्य न्यूनतम आयु कितनी पूछी जाती है आपसे हमेशा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पद के लिए। तो उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, राज्यपाल की 35 वर्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या? 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, उच्चतम न्यायालय के लिए। अब आपकी अगली है, राज्यपाल की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के लिए 62।
और आपकी लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्या, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग एवं विस्तार, जलमार्ग और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, किलोमीटर्स नहीं पूछता है आपसे, सिर्फ यहाँ पर यही नेशनल वाटरवेज, ठीक, वाटरवेज जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, और नेशनल वाटरवेज 2 कहाँ है, सादिया से दुबरी पट्टी के बीच में। तो नेशनल वाटरवेज देखिएगा फ्रेंड्स एक बार, वाटरवेज जो आपका 1 है कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया, वाटरवेज 2 सादिया से दुबरी पट्टी, नेशनल कोल्लम से कोल्लापुरम तक, कोट्टापुरम तक, और अगला वाटरवेज 4, वाटरवेज 4 देखिएगा, वाटरवेज 4 जो है कानी नाड़ा से मरकानम तक, और नेशनल वाटरवेज 5 का है तलचर से धमरा तक। ठीक है, चलिए